Rima will be here, and Apu will be here, but you नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बिहार के अनेक जिलों से अलग अलग चुनाव के दौरान कहानियां निकलकर सामने आती है और वो कहानियां हम आप तक लेकर आते हैं। और ऐसे में बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आई जिसको देख हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। आपको बता दें कि मढ़ौरा प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने नामांकन के लिए ऐसी व्यवस्था की कि हर कोई देखते ही रह गया। आपको बता दें, नामांकन करने गए लोग ये सोच में पड़ गए कि आखिर कोई कैसे इतनी सारी तैयारियां एक नामांकन के दिन कर सकते हैं। सारण के मढ़ौरा प्रखंड में वहां के निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने नामांकन के दौरान बिहार का जुबा नामांकन व्यवस्था किया। यहां नामांकन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी ने प्रखंड कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास शुभ माने जाने वाले सहनाई वादन की व्यवस्था की है। इसके अलावा नामांकन करने आने वाले अभ्यर्थियों के प्रखंड कार्यालय परिसर में एक वेटिंग हॉल की व्यवस्था की है जिसमें कारपेट, सोफा, कुर्सी, पंखा, कूलर, चाय, पेयजल आदि की भी व्यवस्था कराई गई है। किसी प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यहां पंचायत चुनाव के दौरान की जाने वाली यह पहली व्यवस्था है। मढ़ौरा के प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह BDO ने प्रखंड में प्रवेश करने वाले मार्गों पर मढ़ौरा की सीमा के अंदर गेट बनाकर उस पर आचार संहिता के संदेश को प्रचारित किया। BDO ने कार्यालय सहित प्रखंड के विभिन्न चिन्हित स्थानों पर CCTV कैमरों को लगवाने की भी बात कही। सहनाई बहुत शुभ माना जाता है किसी भी अच्छे कार्य के लिए। भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तो लाल किले के प्राचीर पे सहनाई वादन हुआ था और हमारे यहाँ चुनाव लोकतंत्र में चुनाव उत्सव की तरह होता है और लोकतंत्र के लिए चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं और जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है लोकतंत्र, तो जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना है और ये जनप्रतिनिधि अगले 5 साल जनता की सेवा करेंगे और हम पदाधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाएंगे और मिल करके काम करेंगे, तो ये बहुत शुभ काम है। आज से नामांकन शुरू हो रहा है। इस अति शुभ और अति महत्वपूर्ण कार्य के लिए सहनाई की व्यवस्था की गई है, एक अच्छा माहौल हो, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि 10वें चरण में हमारे यहाँ चुनाव होना है और अभी तक जितने भी चरण में चुनाव हुआ है बिहार में बड़े पैमाने पर कई जगह हिंसा हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर राशि का खर्च किया जा रहा है। मुझे पता चला है कि एक एक पंचायत के में 2.5-2.5 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए एक एक उम्मीदवारों ने 1-1 करोड़ रुपए तो सामान्यतः खर्च किए जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं वो पवित्र गीता और कुरान की तरह हैं, उसका अक्षरशः पालन करें। और उसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा तय की है, मुखिया जी और सरपंच साहब और पंचायत समिति के लिए 40,000 रुपया है, मुखिया जी और सरपंच साहब के लिए 40,000, पंचायत समिति के लिए 30,000 और वार्ड सदस्य और पंच के लिए 20,000। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका अक्षरशः पालन है और इस देश की, इस राज्य की, इस महान देश की सेवा कर दें। ये जो जनप्रतिनिधि है, वास्तव में लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि ही सर्वोपरि होते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि लोभ लालच देना, डराना धमकाना, जातिगत बातें करना, धार्मिक बातें करना, इसको तो भूल ही जाएं। इस मढ़ौरा में तो कम से कम ये करने की आज़ादी नहीं मिलने वाली है। ये निर्वाचन बहुत ही पवित्र कार्य है, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा सभी उम्मीदवारों से, सभी सम्मानित संभावित उम्मीदवारों से कि चुनाव तो आज होंगे और फिर होंगे, और चुनाव हमारे देश में हर साल होते हैं, कभी लोकसभा के, कभी विधानसभा के, कभी राज्यसभा के, कभी विधान परिषद के, कभी पैक्स के, कभी अन्य। इसके लिए
ऐसी दुश्मनी मत पैदा कर दीजिए और इतना खर्च नहीं कर दीजिए कि जीवन भर जो है जो खर्च है उसको चुकाने में बीत जाए। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो आपने तस्वीरों में देखा किस प्रकार से नामांकन के लिए प्रखंड अधिकारी साहब ने कितनी व्यवस्था कर रखी थी, सोफा से लेकर कारपेट तक और चाय पानी की भी व्यवस्था प्रखंड ब्लॉक में की गई थी। वहीं दूसरी ओर जितने भी उम्मीदवार वहां नामांकन करने पहुंचे वो सभी सहनाई वादन का भी उन्होंने लुत्फ उठाया, जो कि बिहार में शायद ही कहीं नामांकन के दिन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा प्रखंड के पदाधिकारी ने ये सभी इंतजाम पंचायत चुनाव के लिए किया था। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, धन्यवाद। गरीबों को दीजिए, अनाथों को दीजिए, बच्चों गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए, उसके भोजन की व्यवस्था कीजिए, लड़कियों की।